तो गाइस यार लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बेस कैंप बनवा लिया था ज़ॉम्बी से बचने के लिए। लेकिन गाइस मैंने कर्नल को बोल के और भी आर्मी यहाँ पे बुलवा लिया है, क्योंकि गाइस कभी भी ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाएगा तो मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, है ना सिंचन? अरे बिल्कुल सही बोला आपने गाइस, मैं और फ्रैंकलिन भैया कितने ज़ॉम्बी संभाल पाएंगे, ज्यादा ज्यादा 10-20, लेकिन जितने भी आर्मी ऑफिसर है ना कम से कम 100-200 ज़ॉम्बी को आराम से संभाल लेंगे यार। और हाँ गाइस, इन लोग को पहले से ऑर्डर दे दिया गया है जैसे भी आपको किसी पे शक हो तो उसको सीधा शूट कर दिया जाए। तो गाइस देख सकते हो कितनी भयंकर सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। और यहाँ देखो, यहाँ पे है चेक पोस्ट, यहाँ पे चेकिंग के बाद ही अंदर जाएंगे सारे के सारे लोग। तो चलो अब मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ। तो फिर चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा अंदर से बेस। ये देखिए, ये रे ऑफिसर। अरे जाइए सर, अब अंदर का बेस तैयार है, अब आराम से घूमिए। जाइए सिंचन, आप भी जा सकते हैं यार। अरे यार वो तो मुझे पता है गाइस, सारा काम खत्म हो गया है। और तो और गाइस, आप लोगों को बता दिया जाए कि पूरे बेस कैंप में घुसने के लिए मात्र में एक यही रास्ता है। और आप लोग तो देख सकते हो ना कितनी भयंकर सिक्योरिटी है यहाँ पर, हर एक ऑफिसर के पास यहाँ पे गन ही गन है यार। अरे बिल्कुल सही बोला आपने गाइस, आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन भैया के पास और आर्मी अंकल के पास, आपके पास असली वाली गन है, बस मेरे पास नहीं है फ्रैंकलिन भैया। अबे हाँ, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। हाँ मैं क्या बता रहा था गाइस, एक ऐसा फ्लाईओवर है जहाँ से लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, और कोई एंट्री है ही नहीं गाइस। और पानी से कोई आने की कोशिश करेगा तो पुलिस ऑफिसर पानी में घूम रहे हैं तो उसको वो वहीं पे गोली मार देंगे। तो लेट्स चलो, मैं आपको अब दिखाता हूँ बेस कैंप हमारा कैसे बनवाया है। आप लोग को देख के तो पता चल चुका होगा कि ये बेस कैंप कितना महंगा होगा। तो चलो अंदर जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ बेस कैंप। और हाँ गाइस, अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये ज़ॉम्बी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो कमेंट में जरूर लिख देना। और आप लोग तो सिक्योरिटी देख ही सकते हो गाइस, हर एक गली में सिक्योरिटी है यहाँ पर। और चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गैस स्टेशन। यहाँ जैसे कि हम लोग कहीं नाव वगैरह से जाएंगे या पेट्रोल की कमी हो जाए हमें तो हम यहाँ से भरवा सकते हैं। और यहाँ पे स्टोर भी है, लेकिन गाइस यहाँ पे स्टोर में कोई भी नहीं है। आओ खाओ जितना मर्जी खाओ, लेकिन यार देखो पूरा का पूरा स्टोर भरा हुआ है, चॉकलेट्स बिस्कुट और कुरकुरे पेप्सी जो मर्जी खाओ, लेकिन कोई मालिक नहीं है यहाँ का। आप बिल्कुल आओ और खाओ। आपको ऐसी दुनिया में आना है तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ घर, जो हमने यहाँ पे घर बनवाया रहने के लिए। तो इतने बड़े बड़े सीढ़ी किसने बनवा दिए बे, इनको मैंने छोटे छोटे सीढ़ी बोले थे, इतने बड़े बड़े किसने बनवा दिए। चलो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे 2 BHK है गाइस और 2 फ्लोर है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हो, और तो और हम लोगों ने यहाँ पे खाने पीने का सुविधा भी करवा रखा है और टेलीबूथ भी है। यहाँ से हम किसी को भी फोन कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। और देखो गाइस, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, कोई तो आओ यहाँ पर। और ये ब्रिज है छोटा सा जिसे आराम से पार करके इस पार आ सकते हैं बिल्कुल आराम से। और ये घर भी काफी प्यारा है, इसमें आराम से 2-3 फैमिली तो रह सकती है। और गाइस हम लोग पूरी लॉस एंजेलिस की फैमिली की मदद कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये है भाई साहब पूरा कैंटीन एरिया, यहाँ पे यार सारे लोग जितना मर्जी खा सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको ये वाला घर दिखाता हूँ, चलो फिर चलते हैं अंदर। और ये कितना बड़ा बेस है यार गाइस, आप लोगों ने देखा ही यार, यहाँ पे सब कुछ है। अरे आइसक्रीम है, अरे कोई आइसक्रीम खिला दो गाइस। यार कोई भी नहीं है जो मेरे को आइसक्रीम खिलाए। अरे छोड़ो यार, मैं आपको आगे दिखाता हूँ गाइस। नीचे से जाओगे तो वहाँ बोट्स हैं जिससे हम लोग कहीं और जा सकते हैं। और वो देखो फ्रैंकलिन भैया, अरे क्या कर रहे हो नुबड़े भैया? अब जूते के फीते बांध रहा हूँ, जा तो यहाँ से कहीं और जाके घूम ले। अरे ठीक है ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो यार हर तरफ आर्मी ऑफिसर है, और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल भी है। कितना बढ़िया है गाइस, इमरजेंसी के लिए सब कुछ है हमारे आइलैंड में। अरे सुनो, मेरे 5 रुपए खो गए यार। अरे बच्चे 5 रुपए, 5 रुपए के चक्कर में हम नहीं आएंगे, जाओ जाओ अपने 5 रुपए खो ढो ना। अरे लो यार, सही में गाइस ये लोग तो मेरे 5 रुपए नहीं ढूंढ रहे, लेकिन मेरे 5 रुपए तो गिरे ही नहीं है। अरे बच्चे भागो मत, बेस कैंप के अंदर भागना मना है, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे नहीं पता, वो अभी पता चला। अरे मेरे भागने से कौन सा बेस कैंप टूट जाएगा, मेरे भागने से कौन सा बेस कैंप टूट जाएगा। चलो मैं ऊपर चलता हूँ। ये सीढ़ी कितनी पतली है यार, और थोड़ी सी चौड़ी बनानी चाहिए थी, अगर कोई मोटा इंसान आ गया तो क्या करेगा।
चलो चलो मैं आगे देखता हूँ। ये तो हमारा बेस कैंप का एंड आ गया यार, इसके बाद तो समुंदर और बड़े बड़े पत्थर है। चलो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह लेंगे और इस बगल वाली बिल्डिंग में भी बहुत सारे रह लेंगे। यहाँ पे तो सब कुछ खाने का है, पेट्रोल वेट्रोल और बाकी सारी इमरजेंसी की चीजें भी है, और हॉस्पिटल भी है इमरजेंसी के लिए, और पुलिस स्टेशन अगर यहाँ पे लोग आपस में लड़ने लगे तो। चलो गाइस मैं इस बिल्डिंग के छत में जाके देखता हूँ। यार ये तो बिल्कुल सही आइडिया है, डुई 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 चढ़ जा सिंचैन, कोई देख भी नहीं रहा। और देखिएगा अभी तो क्या हो गया यार, मैं थोड़ी ना कुछ और कर रहा हूँ। अरे आगे तो सीढ़ी ही नहीं है, ये तो मेरा गलत आइडिया था यार। चलो नीचे चलता हूँ, गिर गया। अरे ये क्या कर दिया सिंचैन, अपनी बेइज्जती करवा ली यार मैंने। छोड़ो गाइस मैं आपको उधर दिखाता हूँ वहाँ क्या है। अरे देखो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बीच में आ गया यार। गाइस ऐसे होता है ना बीच की साइड में सब कुछ खरीदने का होता है, सामान होता है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे भी है। पर कोई नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे आप लोग सनबाथ ले सकते हो। यहाँ लग रहा है आइलैंड नहीं, एक 5-स्टार होटल बना है। सारी चीजें एकदम सुविधा वाली है यार यहाँ पे तो। ऑल राइट गाइस, अभी मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे अभी जस्ट कर्नल आने वाले हैं। भाई साहब कर्नल आएंगे और यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे वो, और मेरे से बात भी करने वाले हैं। तो देखते हैं, उनका वेट करते हैं। और गाइस देखो समुंदर के बगल में रहने का मजा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवाएं और ये मस्त पेड़ पौधे, लिटरली गाइस ये तो मेरा सपना था लेकिन आज वो साकार हो गया। देखते हैं कर्नल का बात है और कर्नल को आने देते हैं गाइस। अरे यार चलो चलो, आज मेरे को बहुत जगहों में जाना है। तब से ये ज़ॉम्बीज का आतंक आया है तब से मान लो कि बिजी का बिजी ही हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं ये बेस कैंप देख लूँ। बेस कैंप देखने में तो यहीं से दिख रहा है, कितना बड़ा बेस कैंप है यार। मानना पड़ेगा फ्रैंकलिन सिंचैन जैसे होनहार बच्चों को काम देने का फायदा यही है, सारा काम एकदम अच्छा करते हैं। चलो यार हेलीपैड कहाँ है, हेलीपैड तो एक वो रहा एक सामने है। चलो सामने वाले में जाता हूँ यार। अरे कर्नल इधर, कर्नल इधर इधर देखिए नीचे आइए। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन बच्चे रुको रुको। चलो यार आराम से हेलीकॉप्टर लैंड करता हूँ। अब फ्रैंकलिन बच्चे आइलैंड तो काफी अच्छा बनाया है यार तुम लोगों ने। आइए कर्नल ये देखिए, ये रहा हमारा बेस कैंप जहाँ पे लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा बेस कैंप कर्नल? अरे बहुत अच्छा लगा यार, ये बेस कैंप तो तुमने एकदम दिमाग से बनाया है। ये तुमने ही बनाया है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। ये मैंने बनवाया और बाकी इंजीनियर्स थे उन लोगों ने भी काफी ज्यादा। यार गिर गया। अरे कर्नल ठीक तो है ना अब? अरे हाँ हाँ ठीक हूँ यार। कर्नल जो हूँ चोट थोड़ी ना लगेगी इतनी, वैसे गाइस चोट तो लग गई लेकिन अब थोड़ी ना बोलूंगा कि चोट लग गई। अरे वाह सिंचैन बच्चे तुम भी यहाँ पे? अरे हाँ हाँ यहाँ देखो गाइस, यार कर्नल यहाँ से गिर गए। देखता हूँ मैं भी गिर के चोट लगती है कि नहीं, और नहीं लगी। लगी यार, कर्नल झूठ की बोलते हो, यहाँ से चोट लगती है गिरने पर। अरे तुम कमजोर हो, मैं स्ट्रांग हूँ यार, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कर्नल हूँ कर्नल? अरे हाँ वो तो है। और गाइस ये देखो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ से कोई पानी के सहारे भी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ये हमारी पुलिस राउंड मारती है। तो पुलिस ने किसी को देख लिया तो लिटरली गाइस वो शूट कर देगी सीधा, तो आने की कोशिश मत करना। हाँ कर्नल आप क्या बता रहे थे? अरे मैं कह रहा था बेस बना लिया, आइलैंड बना लिया तो अब लोगों को भी तो लाओगे। अरे हाँ गाइस लोगों को भी तो रेस्क्यू करना पड़ेगा, और लॉस सैंटोस के लोग मुसीबत में फंसे होंगे, उनको भी बचाना होगा, और ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरी मतलब फ्रैंकलिन की। और सिंचैन तू चलेगा मेरे साथ या तू यही रहने वाला है? अरे मैं भी चलूंगा, यहाँ पे अकेले क्या करूंगा, अगर यहाँ रहूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं एक भूतिया आइलैंड में आ गया हूँ यार। वैसे बोल तो सही रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, बस मैं और सिंचैन घूम रहे हैं और कोई भी नहीं दिख रहा। और बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या ही करेंगे यहाँ पे, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ और लॉस सैंटोस के लोगों को बचा के यहाँ पे लाऊँ। और ये देखो कितना कुछ है खाने पीने का लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं सिंचैन तू फटाक से आ, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ यार। अरे ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। गाइज आप लोग एक एक जगह देखो यार, कितने मेहनत से और कितनी जल्दी बना दी यार। अरे हाँ वो तो मैंने बनवा दिया है लिटरली गाइज, इतना बढ़िया जगह मैंने इतनी कम समय में बनवा दिया। और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का आना तो छोड़ो, यहाँ पे आ भी नहीं सकते वो लोग यार कभी भी। अरे सही है ना आए। गाइज अब हम लोग जा रहे हैं लोगों को सर्वाइव करने, मतलब रेस्क्यू करने यार। चले फ्रैंकलिन भैया? तो फिर चलो गाइज। ये देखो सर मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आता हूँ आगे से। वेट गाइज मैं सोच रहा हूँ मैं इस गाड़ी से जाऊंगा तो इसमें अंदर देखो स्पेस कितना है, मात्र हम 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे एक दो और,
तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली गाड़ी छोड़ो, ये आर्मी ऑफिसर की ट्रक लेके चलते हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही लोग आ जाएंगे आराम से। अरे बिल्कुल सही बोला है, एक बार में 15-20-25 लोग तो आ ही जाएंगे यार। और रुको, ये वाली जगह सही में गाइस, ये वाला ट्रक लेके जाया जाए तो सही में 15 लोग तो आराम से आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला ट्रक लेके चलता हूँ, तो मुझे कोई तो बोलेगा नहीं। चल सिंचन फटाक से बैठ, यही वाला ट्रक लेके चलते हैं हम लोग। अरे बिल्कुल सही बोला, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग कितने मेहनत कर रहे हैं ताकि लॉस एंडोस के लोग यार बच जाए। ए ए यार बैठ गया, चलाओ चलाओ ट्रक चलाओ। अबे पीछे क्यों बैठ गया, आगे बैठ जाता ना तू। अरे कुछ नहीं होता है, पीछे बैठो या आगे, शेर शेर होता है यार। अच्छा चल शेर के बच्चे, फटाक से लोगों को बचाना भी है। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग ज़ॉम्बीज को। अरे ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया, बच गया? ओए नहीं बचा। अबे सिंजय तू ठीक तो है ना, मुझे लगा मैं बच गया लेकिन यार वापस पलट गई ट्रक। अरे अब आगे बैठूंगा। गाइस आप लोगों ने देखा ना, फ्रेंक भैया को ट्रक चलाना नहीं आता, पलटा दी यार। अबे मैंने पलटा ही नहीं थी यार, वो एकदम से मतलब घूम गई और मेरे को समझ नहीं आया यार। अरे आपको ट्रक चलाना ही नहीं आता तो क्या फायदा यार। ओए ओए भाई 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 आराम से। लिटरली गाइस अभी मैं लॉस एंजेलिस में आया हूँ और देख सकते हो कितने सारे ज़ॉम्बीज यार यहाँ पे घूम रहे हैं, और एम्बुलेंस को भी पलटा दिया इन लोगों ने तो। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, हम यहाँ से छोड़ते हैं और आगे निकलते हैं, और हमें लोगों को बचाना है यार। गाइस मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ, फ्रैंक भैया ने मेरे को भी एक गन दी अभी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास भी एक गन आ गई। ए ज़ॉम्बीज अब तुम लोग बचोगे नहीं। ए भाई हमको बचा लो। वेट गाइस, किसी ज़ॉम्बी ने हमसे बात की? अरे यार किसी ने बोला हमें बचा लो, कोई ज़ॉम्बी तो हमसे बात भी नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे आवाज आ रही है हमें? अरे भाई इधर देखो। अरे हेल्प कर लो भैया। अरे 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 रुको, वहाँ पे 2-3 लोग दिख रहे मेरे को जो हेल्प मांग रहे। अरे तुम लोग ज़ॉम्बी तो नहीं हो ना? अरे नहीं भाई, हम लोग ज़ॉम्बी नहीं है, प्लीज जल्दी बचाने आ जाओ। ओके गाइस, वो देखो वहाँ पे कुछ लोग हमारा वेट कर रहे थे, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। और चलो, लेकिन गाइस नीचे तो ज़ॉम्बी है, तभी ये लोग सारे के सारे ऊपर है। अरे ऊपर ही रहना, मैं अभी आता हूँ इन ज़ॉम्बी को खत्म करके। चल सिंचन नीचे उतरता हूँ, मेरी हेल्प करियो ठीक है ना, तेरे पास गन है ना? अरे हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, अभी बताता हूँ इन लोगों को। अरे यार क्या ज़ॉम्बी, तुम लोग मेरे को टच करके दिखाओ तो मानू। अरे फ्रैंक भैया उतरो यार। अरे खाना मार दिया। अरे मारो मारो, अभी रुको। ए तू भी ले। अरे पीछे ये कहाँ से आ रहा है? मेरे पीछे मारियो ना, कोई पीछे ज़ॉम्बी आएगा मेरे को मार देगा यार, ये देखा आ रहा है इसको मार। अरे आप ऊपर चलो, मैं नीचे संभाल के आता हूँ यार। ए तू भी ले। अरे भाई आप ऊपर आ गए, अरे थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बचाने आया हूँ। और हाँ, किसी को ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं? अरे नहीं भाई नहीं, जैसे ज़ॉम्बी फैले थे हम लोग ऊपर आ गए थे भाई। अच्छा देखो, तुम पे शक होगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा, मैं पहले बता दूं। अरे सिंचन घर नीचे कर ले, अभी मत मार यार। अरे यार मैं उधर ज़ॉम्बीज को देख रहा हूँ, इनको कुछ भी नहीं कर रही यार। चलो फिर ठीक है, हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आराम से नीचे उतरेंगे, और आप लोग जो नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है उसमें जाके फटाक से बैठ जाना। अरे बैठो सब लोग। अबे छुपा कहाँ हुआ था भाई, सब एकदम से निकल के आया। अरे बैठो जल्दी बैठो, ज़ॉम्बी जा रहे हैं। फ्रैंक भैया मारो यार सबको। अरे तू मार, ये लोग बैठ रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लिटरली गाइस जल्दी बैठ जाओ। अरे सब लोग बैठो, लास्ट में मैं बैठूंगा। चलो गाइस सब लोग लगभग बैठ ही गए हैं। अरे ट्रक वाले भाई चलाओ जल्दी से गाड़ी। अबे ट्रक वाला भाई नहीं, ट्रक वाला भाई मैं ही हूँ ठीक है ना, फ्रैंकलिन भैया। ऑल राइट गाइस, अभी देखो हम लोगों ने इन लोगों को बचा लिया है। और यार मैंने तो गिना ही नहीं ये कितने लोग मैंने बचाए हैं। और गाइस आप बताओ कि मैंने कितने लोगों को बचा लिया है। और ये लो ज़ॉम्बीज। चलो भाई रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल। चलो आप लोग आराम से बैठे रहना पीछे। अरे हाँ भाई हम पीछे बैठे रहेंगे, थैंक यू आपने आज हमारी जान बचा ली। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था। चलो गाइस अब ना और भी लोगों को बचाने जाना। अबे यार ये जो ट्रक है ना बार बार पलट जा रही है, लेकिन अब आराम से चलाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, ये देखो लॉस एंजेलिस में हर एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है, और इन लोगों को कैसे बचाओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट, ऊपर कोई है। अरे ऊपर देखिए भाई, हमें बचा लीजिए, ये ज़ॉम्बी हमें नहीं छोड़ेंगे, जब से खाने के लिए ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो ऊपर चढ़ गए, ये ऊपर नहीं आ पा रहे, बचा लीजिए भाई। एक काम करो, आप लोग आगे आ जाओ और मैं आप लोग को गाड़ी में बिठा लूंगा। अरे सिंचन देखिए कहाँ खड़े थे, ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी इनकी तो, और नीचे रहेंगे तो ज़ॉम्बी भी तो बन जाएंगे। हाँ वो तो तेरी बात में दम है। अरे आराम से आओ, नीचे ना गिर जाना ठीक है ना।
अरे गाइज आप लोग देख सकते हो कितने ज़ॉम्बीज के बीच में से ये लोगों को हमने बचा लिया। अरे जल्दी बैठो, ऐसे कैसे बैठ रहे हो यार? अरे हाँ भाई बैठ गए। अरे बैठ जल्दी भाई, ज़ॉम्बी से डर नहीं लग रहा तेरे को? बैठ गया ना, चलाओ भाई बैठ गए हम लोग। अरे वाह, चलो गाइज इन दोनों को ही बचा लिया, जल्दी भगाओ। यहाँ पे आप लोग तो देख ही रहे हो कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज है, जल्दी जल्दी चलाओ गाड़ी को। सही में यार पूरे फ्लाईओवर में कब्जा कर रखा था। ओके गाइज अभी हम लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को बचा लिया और ये ट्रक तो भारी हो गया। वेट वेट वेट, अभी तो लगा कि मैं नीचे जाऊंगा लेकिन यार मैं बच गया। चलो लेकिन गाइस इस ट्रक में कोई डिफॉल्ट तो पक्का है, ये ट्रक बार बार घूम जाती है सिंचन। अरे यार आपको चलाने नहीं आता मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस वेंकट भैया को चलाने आता तो गाड़ी पलटती ही नहीं यार एक बार भी। हाँ वैसे तो सही बोल रहा है। और गाइस आप लोग के पास एक काम है कि मैं कितने लोगों को रेस्क्यू कर रहा हूँ, आप लोग फटाक से कमेंट करके जरूर बताना और टोटल भी बताना कि मैंने लास्ट तक कितना किया, तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखना। और अरे भाई आराम से, अरे भाई, अरे गाड़ी वाले भाई ऊपर देखो भाई ऊपर। अरे कहाँ से आवाज आ रही है? ओ ऊपर वर्कर से सिंचन ऊपर दिख रहे तेरे को? अरे हाँ हाँ फेंक भैया आप और मैं ही उतरेंगे, चलो हम दोनों ही मिलके सारे ज़ॉम्बीज को संभालते हैं यार। चल ठीक है, लेकिन आप लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहना ठीक है ना, कोई नीचे मत उतरना। अरे हाँ भाई हम लोग अंदर रहेंगे। चलो फेंक भैया शुरू हो जाओ, एक दो तीन। ये भाई सामने उतरते के साथ एक ज़ॉम्बी मिल गया था लेकिन मैंने गन मार दिया उसको। आजा आजा आजा, चल सिंचन मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम मुझे कवर दियो ठीक है? अरे हाँ जाओ जाओ ऊपर जाओ, मैं संभालता हूँ सबको। अरे इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ रहे हैं यार, मारो मारो सबको मारो यार, मैं भी संभाल रहा हूँ। तू मुझे कवर दे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अकेले सबको संभाल लेगा कि मैं नीचे आऊँ? अरे मैं संभाल लूंगा संभाल लूंगा, आप जाओ ऊपर जल्दी से उन लोगों को बचाओ यार। लिटरली गाइस सिंचन को देख रहे हो आप लोग, अकेले वो सबको संभाल ले रहा है और मैं उसके ऊपर से हेल्प कर दूंगा। अरे सुनिए आना भाई, थैंक यू हमें बचाने के आने के लिए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब आप सब ना एक काम करना, जैसी मैं नीचे जाऊं वैसी मेरी गाड़ी में घुस के बैठ जाना, और हाँ जिसको बैठने की जगह ना मिले वो खड़े हो जाना ठीक है ना? अरे लो हमारी ट्रक फुल हो गई। गाइस आप लोग देख सकते हो हमने सबको बचा लिया। मेरे ख्याल से फेंकी भैया अगर हमने ज्यादा लोग और बैठा लिए ना तो ट्रक व्रक पलट जाएगी। एक काम करो फटाक से हमारे बेस कैंप चलो यार। चलो वैसे गाइस सिंचन की बातों में दम है, हमारा पूरा का पूरा ट्रक भर गया है। अब एक काम करते हैं फटाफट से बेस कैंप की तरफ चलते हैं और वहां पे इन लोगों को उतार के बेस कैंप के अंदर रख के वापस बचाने आएंगे लॉस सैंटोस के लोगों को। और हाँ गाइस आप अपना काम मत भूलना, आपको ये भूलना नहीं है कि आपको गिनना है कितने हम लोगों ने बचाए, तो फटाफट से कमेंट में जरूर लिखना कि हमने कितने लोगों को बचाए हैं ठीक है ना? अरे हाँ लिख दिया, बहुत लोगों के कमेंट मैंने पढ़ भी लिए। चलो अब आगे चलते हैं। गाइस यहाँ से बहुत दूर है हमारा बेस कैंप, लेकिन क्या करे जाना तो पड़ेगा ना, बेस कैंप ही ऐसा है और क्या। ओके गाइस अभी देखो हम लोग जा रहे हैं बेस कैंप की तरफ। वैसे गाइस एक एडवांटेज है हमारे बेस कैंप का, यहाँ पे ज़ॉम्बी तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये पहाड़ 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 पार करके है बहुत दूर, और यहाँ पे ज़ॉम्बीज क्या ही करने आएंगे, वो तो सारे के सारे लॉस सैंटोस के बीचों बीच गा रहे हैं और सबको खा रहे हैं। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से चलते अपने बेस कैंप के यार। अरे हाँ चलो चलो मैं भी तो हूँ आप लोगों के साथ, चलो अंकल साहब भैया भाई ये आर्मी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो हमारा बेस कैंप है, अब ये लोग आपकी चेकिंग करेंगे, और हाँ कोई भी भागेगा मत, वो बस आपको चेक करेंगे ठीक है ना? अरे ठीक है भाई हम नहीं भागेंगे, अरे कोई हिलना नहीं, और हाँ जिसे भी ज़ॉम्बी लगे उसको हम शूट कर देंगे, तो सभी अपने दांत वगैरह दिखाएंगे और सीधी तरह चलेंगे ठीक है ना? अरे हाँ हाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, हमने पहले ही देख के बैठाया है। गाइस आप लोग देख सकते हो सब लोग एकदम सेफ है यार। अरे अरे अभी रुको हमें चेक करने दो, और फ्रैंकलिन तुम्हें कोई खरोचे तो नहीं आई है ना? नहीं नहीं मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, ये देख लो यहीं पे खड़ा हूँ मैं और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक है ये तो हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम पूछ रहे हैं, और आप सब भी अंदर जाइए, और सिंचन और फ्रैंकलिन जाइए आप लोग अंदर। अब गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे ही हम लोग अंदर आए ये लोग तो खाने के लिए टूट पड़े। चलो चलो गाइस देखो इनमें से एक को खाना बनाने आता है। अरे मेरे लिए एक बर्गर बना दो यार। अबे बर्गर, अबे चॉप कहाँ गया? जब से चॉप नहीं दिखा लिटरली गाइस चॉप कहाँ गया? अरे वेट चॉप कहीं सो तो नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं उसको मैं बाद में जाके ढूंढ लूंगा, और आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गरम गरम बर्गर बन गया जल्दी आओ। अरे आ रहा हूँ। वेट गाइस पहले नहा लूं क्योंकि काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे वहां पर यार।